हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जनाब। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के होते हुए जिस स्टोरी ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया को टेक ओवर किया हुआ है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि कल रात भी जब ऑब्वियसली सारा वाकया हुआ डॉक्टर नौमान नियाज शोएब अख्तर साहब का, इनिशियली शायद मैं इसके हक में नहीं था वीडियो बनाने के, लेकिन इतने सारे मुझे ट्विटर पर मैसेज आए, मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो फिर मैंने जो वीडियो बनाई आपने देखा कि उसके ऊपर कितना व्यूज आए, बहुत ज्यादा मैं भी हैरान हुआ। तो इट मीन्स कि लोगों का इस मामले में कितना इंटरेस्ट है। तो आप लोग के इंटरेस्ट को देखते हुए और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए ही उसकी जो अपडेट है उसके साथ में हाजिर हूँ जनाब। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और पीटीवी न्यूज पीटीवी स्पोर्ट्स की जानिब से एक ट्वीट सामने आई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि मामले के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और लिखा गया कि शोएब अख्तर और डॉक्टर नौमान नियाज के दरमियान जो कुछ हुआ उसके ऊपर ये इंक्वायरी है। अच्छा, बाय द वे मैंने फिर अभी चूंकि मैं गेम ऑन लाइव तो नहीं देख पाया था, बट मैंने पीटीवी स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे जाके जब देखा तो डॉक्टर नौमान नियाज साहब ने आज गेम ऑन को होस्ट जरूर किया है और ये सारा मामला आज रहा। बहुत ज्यादा रिएक्शन है इस पर। ऑब्वियसली शोएब अख्तर क्रिकेटर हैं, हमारे हीरो हैं, अगर उनको किसी भी टीवी प्रोग्राम में इस अंदाज से कहा जाएगा तो लोग उसको बुरा ही मनाएंगे। और देखिए शोएब अख्तर ने कल जो लिखा, देखिए एक चीज आप सबने याद रखनी है कि ये दोनों है बहुत पुराने दोस्त हैं। आप गूगल करें शोएब अख्तर का सबसे पहला इंटरव्यू जब शोएब अख्तर बिल्कुल यंग से हैं, डॉक्टर नौमान नियाज बहुत यंग से हैं, ये दोनों उस वक्त के दोस्त हैं, 30 साल पुरानी दोस्ती है इन दोनों की, 30 साल। सो मुझे लगता है कि इनका अंदाज भी रहा, अगर आप डॉक्टर नौमान नियाज और राशिद लतीफ के भी आपस में गेम होने के अलावा वो जो रिकॉर्ड बिहाइंड देखें तो ये बड़े दिलचस्प अंदाज से बात करते हैं, थोड़ा सा चटपटा होता है डॉक्टर नौमान नियाज और शोएब अख्तर या डॉक्टर नौमान नियाज और राशिद लतीफ यूट्यूब चैनल पे भी अक्सर इनकी एक नोकझोंक होती है, बट चूंकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो ऐसी नोकझोंक लोग इन्जॉय करते हैं। मुझे लगता है कि अगेन ये नोकझोंक जो है ना ये इसी अंदाज से शुरू हुई और सीरियस हो गई उसके बाद। और जैसे मैंने कल कहा था कि जैसे दो दोस्त आपस में जितने गपशप मारते हो बट कोई घर में आ जाए या किसी के साथ बैठे हो तो फिर शायद ईगो आपकी आ जाती है कि यार देखो इन्होंने ख्याल नहीं किया। देखिए एक चीज़ तो मैं बिल्कुल कहूँगा, कल रात की वीडियो में ऑब्वियसली मैं तो खबर और तजिया अलग रखता हूँ, मैंने कल खबर दी थी उस वीडियो में हुआ क्या और सारा कुछ बताया, लेकिन अगर मेरी ओपिनियन आप पूछें तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर नौमान नियाज साहब को वट एवर द रीजन शोएब अख्तर को आप शायद ये नहीं कह सकते थे कि जाइए ऑफ एयर, आई थिंक ये ठीक नहीं हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट ये ज्यादती हुई है शोएब अख्तर के साथ। और मेरे ख्याल में तो जैसे किसी भी गलती के अंदर एक आप गुंजाइश रखते हैं, आई थिंक डॉक्टर नौमान नियाज इन माई ओपिनियन विद ऑल हिज ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे तो उनके साथ दोस्ती भी है, आई थिंक ही शुड अपोलोजाइज टू शोएब अख्तर, इज दैट सिंपल, ही शुड अपोलोजाइज। क्योंकि आप जब मेज़बान होते हैं, मैं अपना शो डेली होस्ट करता हूँ, मैं डॉक्टर नौमान नियाज को भी मैंने होस्ट किया हुआ है, शोएब अख्तर को भी किया हुआ है, आई प्रिविलेज टू होस्ट देम, बट आप किसी को ये कभी नहीं कह सकते एज अ होस्ट कि आप चले जाएं। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 3 से 4 लोग लेके बैठा होता हूँ और वक्त को डिस्ट्रीब्यूट करना, इंसाफ करना होता है। आप जब एंकर हैं आपके शो में, अगर आपने 3 लोग बिठा लिए हैं तो वो सब बराबर हैं आपके लिए, इसी तरह आपकी इख्तलाफ राय भी हो जाता है, यू कैन नॉट से कि आप चले जाएं, और वो भी जब शोएब अख्तर जैसा एक लेजेंड फास्ट बॉलर। सो आई थिंक डॉक्टर नौमान नियाज इन माय ओपिनियन शुड अपोलोजाइज एंड लेकिन अब इंक्वायरी हो रही है तो ये मामला इससे बढ़ गया, देखिए इंक्वायरी में क्या होता है। लेकिन डॉक्टर नौमान नियाज साहब ने आज शो जरूर होस्ट किया। सो फैसल जावेद बहुत आपको पता है इमरान खान साहब के करीब, उन्होंने बड़ा कंडेम किया। फवाद चौधरी साहब को तो खैर मैंने ट्वीट नहीं देखा, आई डोंट नो कि उनका कोई बयान या कोई इन्होंने कोई मीडिया से बात कर ली हो स्पेशली या कहीं और बात हुई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ट्वीट उनका चेक किया तो कोई बात नहीं थी। सो मामला काफी जो है बढ़ गया है, मामला काफी बढ़ गया है और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान पर आ चुके मैच भी, बांग्लादेश और इंग्लैंड का उसके बाद दूसरा मैच भी इतना बड़ा नहीं है, तो ये मामला ये मैच सबसे बड़ा हो गया है। तो इसकी कोई अपडेट आती है बताता हूँ, लेकिन फिलहाल पीटीवी ने इंक्वायरी बना दी है, इंक्वायरी हो रही है और इसके हवाले से जो फैसला होगा वो फिर सामने आ जाएगा। बट डॉक्टर नौमान नियाज साहब ने आज इस शो को होस्ट किया, जो कि मेरे ख्याल में शायद अगर ये मामला इंक्वायरी तक आ गया था तो शायद वो ना करते तो बेहतर था। शायद मुझे विजिबली पहली मरतबा लगा कि वो थोड़े से अंडर प्रेशर भी थे, और होता है स्क्रीन पे, मैं हम भी कभी कभी घर की कोई चीज़ सोच रहे हो या कोई जाती चीज़ हो रही तो आप के अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे होते हैं। तो विजिबली जहाँ वो शो के शुरू में डेविड गावर साहब का और विव रिचर्ड साहब का तारुफ करा रहे हैं, ही लुक विजिबली टेंस, और होता है रात में
ये मामला आधी रात तक सुबह तक चलता रहा, फिर अचानक आपको शो करना पड़ जाए। बट जनाब ये है अब तक की अपडेट, पीटीवी ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, जैसी कोई अपडेट आती है आई विल लेट यू नो। थैंक यू।